लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले लुलिया तहरा जैसन लो महर भतार मांगे ले। अरे सोया हमार हमें बांस के ड्राइवर देवरा चलावे रेलगाड़ी हो सरकारी सरकारी सिंह नहल देखावे पारा पारी हो सरकारी। फिल्म हमारे राइटर साहब एबीजी लिखे हुए हैं और इनका मैं काफ़ी पुराना फैन हूं क्योंकि इनके डायलॉग से मतलब दर्शक काफ़ी खुश नज़र आते हैं जब इनका डायलॉग मैं बोलता हूं तो। और इस फिल्म में मैं एक बड़े भाई के किरदार में हूं और मेरा छोटा भाई है मनीष जी। दो भाई का प्यार क्या होता है हम दिखाएंगे भोजपुरी दर्शक को। वो प्यार जो हम भाई लोग भूल चुके हैं जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं उस चीज़ को कितनी प्यार से हम लोग दिखाएंगे जो कि उम्मीद है कि अपने अपने घरों में भाई का प्यार बना रहे इस मतलब फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश रहेगी हमारी। फिलहाल उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन एक कलाकार होने के नाते कलाकार को तो एक कलाकार ही समझ सकते हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म है और सबसे ज़्यादा योगदान इसमें हमारे मनोज भैया का है और भी पूरी टीम का साथ है मतलब सबने मेहनत की है लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान मनोज भैया का है। और बहुत ही प्यारी फिल्म है कि जो महिलाएँ क्यों नहीं जाती हैं इसका कारण यह है कि आजकल जो भोजपुरी फिल्में कुछ लोगों ने इसमें इतना फूहरपन कर दिया है अगर देखा जाए तो बाप बेटा साथ में बैठ के नहीं दे सकते। सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरे जीवन साथी बहुत ही प्यारा नाम और आई थिंक फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। और जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब मनोज जी ने बताया कि पारिवारिक फिल्म है जिसे सभी बैठ कर एक साथ देख सकते हैं तो आई विश कि सुपर हिट हो। अभी तो फिलहाल एक ही गाना गाने वाली हूँ जो आइटम सॉन्ग है। ज़्यादातर लोग मुझसे आइटम सॉन्ग ही गवाते हैं और अभिषेक जी ने भी मुझे आइटम सॉन्ग ही दिया है तो इसके लिए बस वही कोशिश करूँगी निभाने की। कि लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले आय हाय लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले लुलिया तहरा जैसन लो महर भतार मांगे ले लुलिया तोहरे ऐसन लो महर भतार मांगे ले। सर मेरे जीवन साथी वो तो फिल्म का टाइटल नेम है और मेरे जीवन में भी मेरे जीवन साथी का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे जीवन साथी जी का ही हाथ है। जी हाँ मैं हूँ जितेंद्र झा और अपने लिए गाता हूँ एक्टिंग करता हूँ और जो मुझे सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं तमाम मीडिया के लोग हैं जो अलका जी को प्यार देते हैं ठीक है मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया और जब तक हुनर ना हो आदमी आगे नहीं बढ़ता। मेरा नाम मनोज भास्कर है। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर मेरा नमस्कार। सर मैंने इस फिल्म के बहुत अलग ही सोचा मैंने अभी तक भोजपुरी में जो भी आ रही है फिल्में भाई बहन के साथ नहीं देख सकती बहन भाई के साथ नहीं देखते माँ बाप के साथ फिल्में नहीं देख सकती है तो मैं इस फिल्म को बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट बनाया हूँ। पारिवारिक फिल्म है फुल रोमांटिक है। कलाकार हैं पृथ्वी जी जो इसके पहले भोजपुरिया नायक किए युद्धभूमि किए तहलका किए 8-9 फिल्में किए हैं जो रिलीज हैं उनकी उसके श्रेया मिश्रा है मेन लीड में सोनिया नेगी है। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस फिल्म को देखें तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा। ऐसा नहीं सोचे कि ये फिल्म में ऐसा है कि मैं अपने बहन के साथ नहीं जा सकती अपने भाई के साथ नहीं जा सकती हूँ या अपने माँ बाप के साथ नहीं सकता। सभी लोग जाके देख सकते हैं इस फिल्म को। मेरे जीवन साथी मनोज जी का ही डिज़ाइन किया हुआ मूवी था वन लाइन स्टोरी उन्होंने ही दी थी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसका डायलॉग स्क्रीन प्ले मैं कर रहा हूँ। फिल्म में खासियत ये है कि आज के डेट में लोग बोल देते हैं कि जैसा भोजपुरी गाने सुन लीजिए भाभी देवर का फुहरता बताया जाता है। फिल्म से सिर्फ इतना बताने का कोशिश किया जा रहा है जैसे रामायण में सीता और लक्ष्मण थे आज भी वो हैं हमारे वहाँ वही कल्चर है। इसके समझ को लोगों ने वही याद कराने के लिए ये फिल्म है। मेन थीम ये है इस फिल्म में पृथ्वी जी ये बताने वाले हैं कि सिर्फ लड़की का लादा नहीं बदलाता लड़की का घर नहीं बदलाता एक लड़के का भी घर बदली होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मूवी में काम करने का क्योंकि इसके पहले मैं मनोज जी के साथ काम कर चुकी हूँ। इस पिक्चर के डायरेक्टर मनोज जी हैं राइटर मोहन जी हैं मैं हीरोइन की माँ का रोल कर रही हूँ और इसमें हीरो पृथ्वी सिंह है दो हीरोइनें हैं। आजकल के ज़माने को देखते हुए इस फिल्म का कहानी है। मेरी दो बेटियाँ हैं उन लोगों को मैं
ऐसा शिक्षा दे रही हूँ कि लड़का लड़की में कुछ फ़र्क नहीं है, आजकल के ज़माने के साथ चलना चाहिए। मेरा नाम सोनिया नेकी है और जहाँ तक ये फिल्म की बात करूँ कि मेरे जीवन साथी, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और जितना होएगा मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करूँगी। इस फिल्म में मैं छोटा भाई का काम किरदार कर रहा हूँ। भोजपुरी में अभी ये हिस्टोरी नया आई बड़ू आई फिल्म में ऐसा बड़ू कि मेरे जीवन साथी के कि घर में सब फैमिली साथ एक साथ बैठ के देख सकत अड़ुए। सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस मेरे जीवन साथी एक नई पिक्चर है जो बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है। प्लैनेट भोजपुरी।